चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति बिना नंबर प्लेट होंडा साइन पर अवैध अफीम लेकर हंटरगंज जा रहे हैं। सूचना को सत्यापन करते हुए डीएसपी मुख्यालय केदार राम के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट होंडा साइन पर सवार दो व्यक्ति को 1 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी दल में मुख्यालय डीएसपी केदार राम, थाना प्रभारी गुलाम सरवर, अवर निरीक्षक दीपक रजक, सशस्त्र बल मौजूद थे। आज दिनांक 22/3/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि मोरना की तरफ से दो व्यक्ति एक बाइक पर अफीम का पट्टा लेकर हंटरगंज की तरफ जाने वाला है। इस सूचना का सत्यापन आवश्यक करवाए हेतु थाना प्रभारी जोरी को दिया गया और इसके आधार पर टीम गठित किया गया और टीम गठित करने के बाद थाना गेट से 100 मीटर दूरी पर वाहन चेकिंग किया गया। वाहन चेकिंग के दरमियान में एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़ाया व्यक्ति का नाम और पता पूछे तो उसने अपना नाम बिलेश यादव, दूसरा मनोज यादव बताया। बिलेश यादव के चेक किया गया तो उसके शरीर में छिपाया हुआ 800 ग्राम अफीम का पट्टा बरामद हुआ। इसके अलावे मनोज यादव का जांच किया गया तो इसके शरीर के अंदर भी कपड़ा के पॉकेट से 600 ग्राम अफीम का पट्टा बरामद किया गया। आगे ये बताया कि ये सामान राजगुरु के गोल्टू भुइया ने दिया है और ये लोग हंटरगंज होते हुए राजकुमार फल दुकान डोभी के पास ले जाकर बेचने वाला ही था कि चेकिंग के दरमियान में थाना गेट के सामने पकड़ा गया। कितना बजे घटना? ये घटना 2:30 के बीच का है। आरोपी जो पकड़ा है जेल चले गए, जेल भेज दिया। हाँ, इस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और छापेमारी दल में शामिल केदारनाथ राम पुलिस उपाधीक्षक महोदय मुख्यालय चतरा, थाना प्रभारी यानी गुलाम सरवर यानी दीपक रजक, आईआरबी सेट के जवान पुलिस उपाधीक्षक महोदय का सशस्त्र बल शामिल है।